हेलो व्यूवर्स, आई एम नाजिम अलवी और आज की क्लास में हम बात करेंगे एनिमेशन के बारे में। कि किस तरह से हम अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स के ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो पुराना कोड है वो है और ये हमारा वेब पेज है जो हमने अभी तक किया था काम। इस पर से मैं ये ट्रांजिशन वगैरह यहाँ से मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, बल्कि ये सारा भी हटा देता हूँ। ठीक, सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन की बात करेंगे। अब ये सिंपली हमारे कंट्रोल है जिसका बैकग्राउंड कलर है, फोर कलर है और इसका कुछ ऊपर से मार्जिन है। ठीक है, कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं है इस वक्त। तो एनिमेशन हम किस तरह से दे सकते हैं, सबसे पहली बात देखिए, दो प्रॉपर्टी आपको इसके अंदर यूज करनी होती है। एक एनिमेशन कोई नाम हमको रखना होता है कि किस नाम से हम एनिमेशन बना रहे हैं, उस नाम को फिर हम की फ्रेम के थ्रू उस पर हम फिर सेट करेंगे कि उसके अंदर किस तरह का एनिमेशन को चाहिए, और एक एनिमेशन का ड्यूरेशन कितनी देर के लिए हमको चाहिए। तो चलिए सेट कर लेते हैं हम एनिमेशन नेम, और इसका एनिमेशन नेम हम सपोज रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट या माई एनिमेशन। ठीक है, और एनिमेशन ड्यूरेशन रख लेते हैं सपोज हम एनिमेशन ड्यूरेशन कितना सेकंड का कर लें, 5 सेकंड्स कर लेते हैं सपोज। ये दो प्रॉपर्टी हमारी सेट हो गई, हमारा नाम भी बन गया और हमारे ड्यूरेशन भी सेट हो गया। अब हम इस पर अप्लाई करना है, अभी तक ये कुछ भी नहीं हुआ है, देखिए अभी कुछ भी नहीं होगा। अब एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, की फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका क्या होता है, एट द रेट सिंबल लगाना है, की फ्रेम लिखना है, की फ्रेम, ओके सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, की फ्रेम, की फ्रेम्स, और यहाँ पर ये जो हमने नाम बनाया था ये नाम यहाँ पर की फ्रेम्स को देना है, ये नाम यहाँ पर, ओके। अब इसको बॉडी देनी है और इस बॉडी के अंदर हमको डिफाइन करना है किस तरह का एनिमेशन चाहिए। सपोज हमको बैकग्राउंड कलर पर एनिमेशन चाहिए तो हमने सेट कर दिया बैकग्राउंड कलर, ठीक, या इसको ऐसे करिए बल्कि क्या से क्या चाहिए हमको, फ्रॉम फ्रॉम में हम लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, क्या ले लेते हैं स्टार्टिंग में, सपोज बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया अभी ग्रीन है उसका, लेकिन हम ग्रीन नहीं चाह रहे, हम कुछ और चाह रहे हैं, सपोज हम ले लेते हैं उसका ब्लू। शुरू में वो ब्लू है और बाद में जो है टू में हम डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ब्लू से सपोज वो हो जाए क्या ले लेते हैं सपोज रेड। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ अपने पेज पर आएंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ब्लू है और ये रेड में चेंज हो गया आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स, 5 सेकंड्स। चाहे तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, सपोज यहाँ हम कर लेते हैं 50 सेकंड का ड्यूरेशन, कंट्रोल एस और या रिफ्रेश किया, ब्लू है और देखिए 15 सेकंड्स के अंदर ये धीरे धीरे चेंज हो जाएगा रेड कलर में। यस, बात समझ में आई ये किस तरह से काम किया। दूसरी चीज हम इसमें और किस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ फ्रॉम और टू दिया है, ये फ्रॉम और टू ना देके हम यहाँ पर कुछ परसेंटेज लगा देते हैं कि कितना परसेंट हमारा ये कलर होना चाहिए, कितना परसेंट हमारा दूसरा कलर होना चाहिए, या हमको और कलर रखने हैं, 3 कलर रखने हैं, 4 रखने हैं, 5 रखने हैं, जो भी है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर सेट कर देते हैं 0% कलर ले लेते हैं हम, और 0% कलर हम बैकग्राउंड का कलर लेते हैं, सॉरी इमेज नहीं कलर, और ये कलर हम ले लेते हैं सपोज ब्लू। और उसके बाद हम चलते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 20% के लिए हमने कर दिया सपोज येलो, बैकग्राउंड कलर येलो, और आगे चलते हैं कितना हो गया 20 टोटल हो गया, और 50% और ले लेते हैं, 50% मान लीजिए हम ले लेते हैं कलर बैकग्राउंड कलर, और यहां पर हम दे देते हैं सपोज रेड, और 90% सपोज हम ले लेते हैं कलर कौन सा, बैकग्राउंड कलर सपोज यहां पर हम ले लेते हैं पिंक, रेड के बाद पिंक नहीं बल्कि यहां पर ले लो ग्रीन। कंट्रोल एस और यहां पर पेज पे आइए, रिफ्रेश किया, ये देखिए ये धीरे 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 चेंज हो रहा है। अब यह सब समझने की कोशिश कीजिएगा, ये यहां पर है हमारा, यस चेंज हो गया पूरा,
इसको मैं छोटा करता हूँ, दोनों पेज को एक साथ दिखाऊंगा ताकि आप इसको समझ सकें पूरी तरह से। और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको दिखे। ये देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमारा ब्लू कलर है। यहाँ मैंने रिफ्रेश किया, ये ब्लू कलर 0%, उसके बाद ये येलो हुआ 20%, उसके बाद रेड हुआ है 50%, ये 50% रहा, उसके बाद ग्रीन हो जाएगा 90%, ये ग्रीन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये ओरिजिनल अपने कलर पे आ जाएगा। अगर मैं ये ग्रीन की जगह पे कुछ और कर लेता हूँ, मान लीजिए रेड के बाद मैं यहाँ कर लेता हूँ ग्रे, कंट्रोल एस, और यहाँ रिफ्रेश किया। ये देखिए, ये येलो हुआ, देन रेड, एंड देन ये अभी ग्रे में चेंज हो जाएगा रेड के बाद। यस, ये ग्रे में चेंज हो रहा है और ये 90% तक रहेगा, और उसके बाद ये फिर अपने ओरिजिनल कलर में आ गया। इसको मैंने ग्रीन से इसलिए हटाया था क्योंकि 90% ये हो रहा था और ग्रीन इसका बाय डिफॉल्ट हमने कलर यहाँ पर दिया हुआ है तो पता नहीं चल पा रहा था। ठीक है, तो इस चीज को आप समझे होंगे अच्छे तरीके से। अब हमको अगर मान लीजिए जो एनिमेशन हो रहा है उसमें हमें डिले करना है, जैसे हमारा ये 15 सेकंड के लिए एनिमेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम डिले कर सकते हैं कितनी देर में स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे एनिमेशन, और यहाँ पर हम डिले यूज कर लेंगे, और यहाँ हम दे देते हैं मान लीजिए 4 सेकंड्स के बाद एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए। कंट्रोल एस, पेज पे आए, रिफ्रेश किया, और ये 4 सेकंड के लिए भूल जाइए, अब फिर इसका स्टार्ट होगा एनिमेशन, ये आफ्टर 4 सेकंड्स। ओके, तो ये एनिमेशन प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, जितनी देर के बाद हमको चाहिए उतनी देर के बाद हमको एनिमेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, या कुछ और चीजें इसके अंदर हम अभी और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, उनको भी बता। एक काम हम ये कर सकते हैं कि जैसे ये एनिमेशन हमारा चला था, इसको पहले थोड़ा कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है ये। इसको ये तो मैंने बता ही दिया, इसको थोड़ा समझने के लिए दो ही कलर हम लेते हैं अभी, फ्रॉम एंड, और यहां पर हम ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, और यहां पर हम ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और ये डिले हमारा 4 सेकंड, 4 सेकंड्स के बाद होगा, 15 सेकंड तक चलेगा, तो 15 ना करके इसको कर दीजिए आप 8 सेकंड्स कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज हमको इसमें करनी है कि अगर हमको रिपीट करना है इसको बार बार एनिमेशन को, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले इसको देख लीजिए, ये 4 सेकंड्स के बाद एनिमेशन स्टार्ट होगा इसका। ठीक है, सही चल रहा है, और ये हमारा ग्रीन हो गया। ओके, अब आइए इधर, तो 4 सेकंड लगे थे इसको स्टार्ट होने में, अब हमें क्या करना है, रिपीट करना है इसको, तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इटरेशन। ठीक है, इटरेशन, और यहाँ पर लिखेंगे हम काउंट, ये प्रॉपर्टी है, और कितनी बार हमको इसको रिपीट करना, मान लीजिए हमें 4 टाइम्स करना रिपीट। कंट्रोल एस, और यहाँ आके रिफ्रेश किया, फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने जा रहा है अभी। ये एक काम करते हैं, वो टाइम लग जाएगा, फिर डिले बंद कर देते हैं अभी, ठीक है, ताकि फॉरन फॉरन स्टार्ट हो जाए। रिफ्रेश किया, फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम चल रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट नहीं हुआ, व्हाट हैपन, एनिमेशन ड्यूरेशन एनिमे, अरे भाई एनिमेशन तो लिखा ही नहीं है, तो कहां से होगा एनिमेशन इटरेशन। ठीक है, कंट्रोल एस, और यहां रिफ्रेश करो, फर्स्ट, ये फर्स्ट है, सेकेंड, एंड दिस थर्ड, और अब फाइनल आपका आएगा फोर्थ, ये फोर्थ स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये एंड हो जाएगा अभी। यस, ठीक है, तो हम चाहें तो इसमें लूपिंग लगा सकते हैं, है ना, जितनी बार हमको चलाना है, सिर्फ इटरेशन काउंट हमको प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करनी है। अगर हमको चाहिए कि ये हम इनफाइनाइट नंबर तक हमको चाहिए कि चलता ही रहे, ये एनिमेशन कभी बंद ना हो, तो सिंपल है, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, इनफाइनाइट वैल्यू जो है इनफाइनाइट देनी है। ठीक है, अच्छा, एनिमेशन का हमें डायरेक्शन अगर सेट करना है कि हमारा जो एनिमेशन है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए,
तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने एनिमेशन यहाँ पर दिया है रेड टू ब्लू, और यहाँ पर मैंने इसको मैं बंद कर रहा हूँ अभी, इसकी जरूरत नहीं है। डिले भी मैंने बंद कर दी, ड्यूरेशन भी बंद कर दिया। यहाँ मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ एनिमेशन एंड डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन। मान लीजिए मैं दे देता हूँ रिवर्स, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी वन बाई वन सारी क्या होती है। और ये हमारे पास पेज है, कंट्रोल एस किया, ये देखिए पहले हमारा रेड टू ब्लू हो रहा था एनिमेशन, क्योंकि हमने यहाँ पर रेड पहले दिया है, ब्लू बाद में दिया है, लेकिन अब ब्लू टू रेड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, क्या क्या हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं पहले वो समझिए। एक तो हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं, नॉर्मल यानी कि बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब जिस सीक्वेंस में हमने दिया है उसी सीक्वेंस में आएगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं और नॉर्मल लिख दिया, तो जब आप नहीं लगा रहे थे वही चीज है सेम। देखिए कंट्रोल एस, पहले रेड रेड आ रहा है, देन फिर ब्लू आ रहा है, ओके। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया बैकवर्ड वे में ये जो है फिर डिस्प्ले कराएगा। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट अगर हम करते हैं, ऑल्टरनेट का मतलब क्या है कि पहले ये फॉरवर्ड जाएगा फिर बैकवर्ड आएगा। ये देखिए रेड है, रेड से पहले क्या होगा, ब्लू होगा, और फिर ब्लू से फिर रेड पर वापस ये आएगा। रेड है, रेड से ब्लू, और ब्लू से समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। गलत तो कुछ भी नहीं है इसमें, प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, एक मिनट, हम कुछ ऑब्जर्व करने में गलती कर रहे हैं शायद। रेड टू ब्लू ना, कंट्रोल एस रेड टू ब्लू, ओके 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 ओके। एक्चुअली हो क्या रहा है ये, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी है, कभी ऐसा नहीं हुआ है, या तो हम इसको लगाने में गलती कर रहे हैं। ये रेड से पहले ब्लू पर जा रहा है और फिर ब्लू से रेड पे आना चाहिए एक्चुअली, जहां तक मुझे लग रहा है। एक मिनट, या हमने रिवर्स यूज किया था प्रॉपर्टी, रिवर्स रिवर्स से ही चल रही थी ना हमारी, ये ब्लू पहले हुआ देन रेड, यस ओके बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसके ना कुछ टाइम कम करें थोड़ा सा, एनिमेशन ड्यूरेशन ये ना बहुत लंबा हो रहा है, इसको हम 3 सेकंड्स करते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। ये हमारा ब्लू टू रेड हो रहा है, ठीक है। तो रिवर्स की जगह यहाँ पर हम कर लेते हैं अब ऑल्टरनेट, है ना, ऑल्टरनेट ही तो था वो, ऑल्टरनेट कंट्रोल एस, और यहाँ मैंने किया तो ये रेड से ब्लू हुआ और ब्लू से फिर ग्रीन पे आ रहा है वापस। चलिए इसको देखते हैं, इसको इसमें कोई इश्यू आ रहा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी, आना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैं लगा बिल्कुल सही रहा हूँ, या तो ब्राउजर की दिक्कत हो रही है, ये ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, और ऑल्टरनेट रिवर्स में भी फिर दिक्कत आएगी, अगर इसमें आ रही है तो ऑल्टरनेट में, तो ऑल्टरनेट रिवर्स में भी आएगी, फिर देखते हैं चलाकर उसको। ऑल्टरनेट रिवर्स का मतलब यह है कि पहले ये होना चाहिए कि हमारा क्या है, रेड से ब्लू ना, तो ब्लू से रेड होना चाहिए, फिर रेड से ब्लू जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू नहीं जा रहा, रिवर्स, इसका मतलब ये ऑल्टरनेट नहीं हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ऑल्टरनेट नहीं हो रहा है, ऑल्टरनेट यहाँ पर सपोर्ट नहीं हो रहा, आई थिंक सो। चलिए देखेंगे उसको, जैसे ही मैं इसको अपने साइड से चेक करूंगा, और जैसे ही पता चलेगा मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, ओके। तो चलिए इसको यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।